हो गई हूँ। मैंने अभी अभी वहां कुछ देखा, एक मिनट बैक कैमरा करके दिखा। आज इतनी ज्यादा फॉग है, ऐसा नहीं है कि मेरे कमरे से ही लग रही है। इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। यहाँ पर एक बिल्डिंग है बिल्कुल सामने, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। सामने वाली बिल्डिंग तो क्या, सामने वाले घर भी नहीं दिख रहे हैं। 11-12 बजे के बाद थोड़ी सी डूब गई है। अब आपको सोसाइटी बिल्कुल सामने दिखेगी, देखो कितनी अच्छी तरह दिख रही है। अब तो जाली के अंदर से भी दिख रही है। मामा जी, ओम तो कुछ नहीं बोलेगा, ये मम्मा से, मम्मा के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? आपकी एज कितनी है? 43। और अगर आप 10 साल पहले पैदा हुए होते तो आपकी एज क्या होती? 33। ओम, आपकी एज क्या है? 13। और अगर आप 10 साल पहले पैदा हुए होते तो आपकी एज क्या होती? 10। 10 होती है। मैं 10 साल पहले पैदा हुए होता, एज 10 नहीं होगी, 33 क्यों होगी? मम्मा, अगर आप 10 साल पहले पैदा हुए हो तो आपकी एज 33 कैसे हो जाएगी? 43 माइनस 10 साल। ये ट्रिक क्वेश्चन था, वो मैंने बस अरे 10 आपको साल एज पहले बताई पैदा थी। होने फिटनेस के है। और ये पागल लड़का, ये और ये सेम फिटनेस के। यार ओम, वो जैकेट बहुत अच्छी है, ये उतार के वो पहन ले। अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, तुमने आ गया। ये दोनों मिलके इसको निकालने देते, बीच वाले को, सबसे छोटा रह गया है वो, मान्य ट्रिशन हो गया है। मेरी तो स्कूल की फाइल्स बनाते बनाते आधी जान निकल जाती है। आधा काम इस पे करो, आधा काम पेपर के लिए पढ़ो, आधा काम इंस्टीट्यूट का करो। वहाँ पर तो मैं जा भी नहीं रही हूँ अभी बहुत टाइम से, परेशान हो गई हूँ मैं। आई एम डन। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? ये बुक में ही लिखा हुआ है, और यही लिखा हुआ हमने पीछे सेम टू सेम लिख दे रहे हैं, क्या फायदा है उसका? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो हमसे, इससे रिलेटेड एक्टिविटी करा लो, पर यही सेम टू सेम चीज अगर हमें पीछे लिखानी है तो इसका क्या फायदा है? क्रेजी पार्ट बताती हूँ, ठीक है? ये वाला जो पार्ट है, ये और नेक्स्ट पेज पे भी ये वाला जो पार्ट है, ये हमने ये जैसे आगे वाले पेजेस से देखा और यहाँ पीछे वाले पेजेस पे लिख देना है, जो कि मैं लिख चुकी हूँ। उसके बाद अभी लास्ट वाले मंथ्स में मैसेज आता है कि ये जो नीचे वाले पार्ट हैं जो मैंने टिक कर रखे हैं, इनको हमें सेपरेट फाइल में लिखना है, जो कि अभी मैं लिख रही हूँ, ठीक है? उसके बाद हमें फिजिक्स में भी एक फिजिक्स में एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा था, वो मैंने जून में ही बना के रख लिया था, सबने बना के रख लिया था, अपने आप को मत करो, ठीक है? हाँ, मैंने बना के रख लिया वो। अब हमें बोल रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट फाइल बनानी है, अब जाके बोल रहे हैं। एंड इतना काम है, ये फिजिक्स है, इसके बाद केमिस्ट्री भी है, केमिस्ट्री मैथ्स, चलो केमिस्ट्री मैथ्स मैंने कर लिया, फिजिकल एजुकेशन भी कर लिया, इतना टाइम एक बारी में बता देते, जून की छुट्टियों में बता देते, तब मैंने सारा काम कर लेना था। अब इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि बाहर जाए तो अंदर आके कपड़े भी ठंडे लग रहे हैं मेरे, निकल नहीं सकती मैं रजाई से इस वक्त, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने अभी अभी वहां कुछ देखा, एक मिनट बैक कैमरा करके दिखाती। तो मैं जब भी मम्मा से विंटर्स में लंच के लिए पूछती हूँ तो मम्मा का क्या जवाब होता है वो आप सुन दो। मम्मा जी, जी खाने में क्या बना? क्योंकि खाने में पूरे विंटर्स में हमारे घर पे साग बनता है रोज लंच में, मम्मा एक दिन साग बना के रख देते हैं और वो रोज तड़का लग के हमें मिलता है, जो कि अच्छा बहुत होता है, पर मम्मा क्या बनाए? साग। साग।